टिकटॉक और यूट्यूब आज इस समय के इंटरनेट पर वीडियो शेयरिंग के मामले में सबसे बड़े प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। जहां यूट्यूब पर हमको दुनिया की हर तरह का वीडियो कंटेंट मिलता है, वहीं टिकटॉक पर भी हमको शॉर्ट वीडियो क्लिप्स देखने को मिल जाती है। पर लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको सिर्फ टिकटॉक के बारे में वह 6 फैक्ट्स बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को तो नहीं पता होगा और इनको सुनकर आपका चौंक जाना तो तय है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित अग्रवाल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फैक्ट हिंदी में। फैक्ट नंबर 6, टिकटॉक इस समय इंटरनेट का तीसरा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप है। टिकटॉक साल 2019 का भी इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप था और इस समय टिकटॉक डाउनलोड्स के मामले में सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक से ही पीछे रह गया है। तो गाइस, टिकटॉक इस समय डाउनलोड्स के मामले में कितना आगे पहुंच चुका है उस चीज़ का पता हमको इस फैक्ट से चल चुका है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है कि टिकटॉक ऐप कौन से देश का है? जी हाँ, चाइना का। पर इसमें जो फैक्ट है वो ये है कि टिकटॉक चाइना में ही बैन है। क्यों, चौंक गए ना? दरअसल चाइना में जब टिकटॉक लॉन्च हुआ था तब चाइना की सरकार ने जब उस ऐप का रिव्यू किया, पता चला कि टिकटॉक पर काफ़ी सारा ऐसा कंटेंट है जो बच्चों और यूथ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी चाइना की सरकार ने टिकटॉक पर 10 तरह की अलग अलग पॉलिसी की कंडीशन भी लगा दी। फैक्ट नंबर 4, टिकटॉक पर इतनी तरह की कड़ी कंडीशंस लगने के बाद बाइट डांस कंपनी ने, जिसने टिकटॉक को बनाया था, उसने टिकटॉक का नाम बदलकर चाइना में डोविन रख लिया ताकि टिकटॉक का नाम बाहर के देशों में खराब ना हो। सच में चाइना की चाल चलने का तो कोई जवाब ही नहीं है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों शायद आप अभी भी यह सोचते होंगे कि टिकटॉक ऐप का नाम पहले म्यूजिकली हुआ करता था। क्यों, अगर आप भी ऐसा सोचते थे तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप गलत थे। दोस्तों टिकटॉक और म्यूजिकली हमेशा से ही अलग अलग ऐप हुआ करते थे। टिकटॉक जहाँ 2016 में ही आया था, वही म्यूजिकली टिकटॉक से भी बहुत पहले आ चुका था। पर दोस्तों बात ऐसी हुई थी कि म्यूजिकली जहां चाइना के बाहर भी फेमस होने लग रहा था, वही टिकटॉक को चाइना के बाहर ज़्यादा लोग नहीं जानते थे और इसीलिए 9 नवंबर 2017 को टिकटॉक बनाने वाली कंपनी बाइट डांस ने म्यूजिकली को ही $1 बिलियन में खरीद लिया। और उसके बाद टिकटॉक आज कहां पहुंच चुका है यह हम सभी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऑन एवरेज हर टिकटॉक चलाने वाला बंदा एक दिन में कितना टिकटॉक यूज़ करता है? तो दोस्तों कुछ सर्वेस के हिसाब से ये पता चला है कि औसतन हर एक टिकटॉक चलाने वाला बंदा दिन में 50 मिनट टिकटॉक ज़रूर देखता है। और इसमें आश्चर्य वाली बात ये है कि हर दिन यह आंकड़ा 34% की बढ़ोतरी ले रहा है। तो गाइस, टिकटॉक इस समय कितना यूज़ किया जाता है उस चीज़ का पता हमें इस फैक्ट से चल जाता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आखिर किस देश में टिकटॉक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है? जी हाँ, अपने भारत देश में ही। भारत में अभी तक टिकटॉक 467.8 मिलियन बार, यानी कि लगभग 46,80,00,000 के आसपास अभी तक टिकटॉक डाउनलोड हो चुका है और यह आंकड़ा पूरे विश्व का 31% हिस्सा है। यानी कि दोस्तों अभी तक पूरी दुनिया में जितनी बार भी टिकटॉक डाउनलोड हुआ है, इसका 31% हिस्सा सिर्फ अपने भारत देश में ही हुआ है। तो दोस्तों यह थे टिकटॉक से जुड़े हुए अभी तक के 6 सबसे बड़े फैक्ट्स। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो देखकर मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही फैक्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।